लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओह गॉड, क्यों, क्या हुआ सर साहब? इस दुनिया को क्या होता जा रहा जवान, क्या होता जा रहा दुनिया को? एक लड़की को भरी सड़क पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हे भगवान, देखो इस बच्ची की तस्वीर। इसने अभी दुनिया भी नहीं देखी होगी कि मौत देख ली। ये 6 महीने में दूसरा इंसिडेंट है। पहली बार भी एक लड़की को इसी तरह जलाया था। सर साहब, इसको जिसने भी जलाया है उसकी चिता भी जल्दी जलने वाली होगी। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ जी। और सुनो, एक कप चाय मेम साहब को ऊपर दे आना जी। अरे जवान, एक कप नहीं दो कप चाय। हवलदार, अरे यार, वेलकम वेलकम, बहुत दिनों के बाद। आज इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। जवान, पुलिस वाले के लिए चाय बनाओ। जरा फर्स्ट क्लास बनाना भाई। कर्नल, भाभी और साजन कैसे? वो सब ठीक है, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ। वो क्यों भाई? इस लड़की की जलने की खबर पड़ी है। हाँ हाँ। कैसा पुलिस कमिश्नर यार, तू कुछ कर नहीं सकता? अरे भाई कर्नल, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मौके के इंतजार में हूँ। इन सब क्राइम के पीछे धनराज का हाथ है। धनराज? वो बहुत बड़ा गुंडा है साला। शहर भर में ब्रॉथल चलते हैं उसके, कोठे हैं, बाड़ियां हैं। धोखे से लड़कियां पकड़वाता है, अगवा कराता है, लड़कियां बेचता है, लड़कियां खरीदता है। हरामजादे साले का बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन कर्नल, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि आज तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि हम उसे पकड़ सके, क्योंकि सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि बहुत से पुलिस अफसर भी उसके साथ हैं। वैसे हाँ, गुंडे ही नहीं, पुलिस अफसर भी उसके साथ हैं। हाँ, तो फिर इन सबका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या? आर्मी रूल, शूट एट साइट, किल दैट ब्लडी बास्टर्ड। नहीं नहीं कर्नल, आर्मी रूल की जरूरत नहीं। देखो साहब, पूरे बाजार में ऐसी छोकरी नहीं मिलेगी। अच्छी है। हाँ, कोरी है साहब, कोरी। कुछ खाने पीने को भिजवा साहब। हाँ? कुछ जरूरत नहीं, दया बनची है। लड़की पागल नहीं है, लेकिन जब से आई आप उन सबको पागल कर रखा है। आज आज इस साली का भूत उतार कर ही छोड़ूंगा, इस साली का भूत उतार कर ही छोड़ूंगा मैं। साड़ी बोलती है अंडे पे बैठेगी क्या? नहीं हाँ, मार डालो बस साली को। साड़ी बनती है, साली धंधा खराब करती है। आज आज पता है रोज का ग्राहक नाराज होकर चला गया। बाड़ी का नाम बदनाम करती है साली। समझती क्या आपने आपको? साली समझती क्या आपने आपको? जग्गू, नरमी से काम ले, नरमी से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ, वो जो अपन का बाप है ना धनराज, वो जब माल लेने आएगा तो जवाब कौन देगा? तू देगी क्या? हाँ मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। सोच ले लीला भाई, सोच ले, इस छोकरी से प्यार तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। प्यार तो महंगा ही होता है चक्कू, लेकिन प्यार करने वाले महंगाई से नहीं डरते। रो मत बेटी, रो मत, इन आंसुओं में इतनी ताकत होती तो ये बाजार कब का बह गया होता। हाय, तुम सो रही हो? काजल, तुम सो रही हो क्या? देखो मैं दोबारा आ गया। हेलो काजल,
काजल क्या? ओह माय गॉड, जबरन तुम्हें फिर से मारा। अरे जानवर को भी ऐसा नहीं मारते। ये आदमी है क्या है? मैं साले का सर तोड़ दूंगा। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? अभी सब कुछ हमें हमारी किस्मत लगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे ये मार, ये जिल्लत, ये अंधेरी कोठरी, ये सब हमारा भाग्य है। नहीं, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है काजल। ये अंधेरी कोठरी, ये जिल्लत, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है। इस अंधेरी कोठरी के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत सुंदर है। वो तुम्हारा भाग्य है। हाँ, वो तुम्हारा भाग्य है। हमने तो इस चार दीवारी के सिवाय बाहर कुछ भी नहीं देखा साजन। अभी चलो। लेकिन साजन, वो लोग हमें जाने नहीं देंगे। उस जग को तुम्हें जिंदा कर दूंगा। जग उसे कुछ मत कहना, पूछना तो सिर्फ लीलाबाई से। लीलाबाई, लीलाबाई, मैं वो पारो को बाहर ले जाना चाहता हूँ। भगा के ले जाने का इरादा है क्या? हैं? नहीं, बस साथ घूमेंगे। साथ में घूमेगा साला। कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना लड़के। छोकरी को कुछ हुआ ना तो धनराज तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं मैं तो, अरे भाई जी की बात छोड़ लीला भाई, इस लौंडे के लिए अपनी काफी है। ऐसे 10 चिकनों को फिरा डालेगा अपन। देखिए लीला भाई, मैं पारो को सिर्फ घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये खड़ा होकर मेरे पर आंख निकालता है, शाना बनता है साला। चल चल छोड़, हाथ नहीं लगाने को। बात तो समझ, हाथ नहीं लगाना। ये पारो को बाहर ले जाना चाहता है, ले जाने दे इसे। तू कहती तो मान लेता हूँ लीला भाई। चल चल माल निकाल, चल माल। ये किधर से आ रही तू? हैं? पॉकेट में जाएगी क्या? 2000 निकाल, 2000 चल। 2000? क्या हुआ, बाहर जाने का भूत उतर गया है? नहीं, मेरे पास अभी 2000 रुपए तो नहीं है, पर इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बंदोबस्त करने के बाद आ जाना है। चल फोट शाना। लीला भाई, पारो का ख्याल रखना। अच्छा, साजन। तुमने मेरे बटुए से 200 रुपए निकाले थे? यस सर। क्यों? अचानक जरूरत पड़ गई थी सर। क्या जरूरत पड़ गई थी, क्यों छोड़े की? साजन, तू बोलता क्यों नहीं? तूने पैसे क्यों निकाले? क्यों की छोड़ी? बस कीजिए भगवान के लिए, बस कीजिए। कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा, वरना आज तक इसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। मैं जानता हूँ इसे क्या जरूरी काम आन पड़ा होगा। इसे अपनी आवारगी और बदमाशी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अब चोरी करना भी सीख गया। मगर कर्नल सूद का बेटा आवारा नहीं हो सकता। आई विल नॉट टॉलरेट इट। इसके बाद अगर तुमने इसे एक भी रुपया दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? आज के बाद इसका जेब खर्च बंद, नो पॉकेट मनी, डू यू अंडरस्टैंड? अब चलिए, बस पी कीजिए, चलिए। गेट लॉस्ट। दीवारी के सिवाय बाहर कुछ भी नहीं देखा साजन। ये किधर से आ रही तू? हैं? पॉकेट में जाएगी क्या? 2000 निकाल, 2000 चल। इसके बाद अगर तुमने इसे एक भी रुपया दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? आज के बाद इसका जेब खर्च बंद, नो पॉकेट मनी, डू यू अंडरस्टैंड वुमन?
बस ड्राइवर गाड़ी रोको यहाँ पे। ये तो हमारे कर्नल साहब का बंगला है। अच्छा कितना हुआ? 30 रुपया 12 ना। ये लो। थैंक यू। साजन